हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द ट्रिपलेट। तो ये जो ट्रिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी वाली ट्रिक है, जिससे आप बहुत सारे जो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है जो कि आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखे हुए हैं, ये जो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है इसके ऊपर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मतलब कि आपने भी जिन्होंने एग्जाम दी है, ग्रुप बी की एग्जाम, एनटीपीसी वाले जो एग्जाम आप देने वाले हो, एएपी की एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस की एग्जाम, हर एक एग्जाम में ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एग्जाम के लिए ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इन ट्रिपलेट के ऊपर कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछेगा, एमटीएस के एग्जाम में पूछेगा, और कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे पूछेगा कि दे देगा आपको क्या, तो दे देगा आपको एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि यूज होता है कहा, राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ज्योमेट्री, जैसे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, ट्राइंगल नाम का जो टॉपिक है वहां पे हम ये यूज करते हैं ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो ट्रिक है मेरी आज की जो ट्रिक है वो इतनी इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो कि जिस ट्रिक को आप सीखने के बाद कुछ ही सेकंड में आप कोई भी ट्रिपलेट हो, मतलब कोई भी नहीं, ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट आप फाइंड कर सकते हो, जो कि एग्जामिनर यही तो पूछता है और दूसरा क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछता, यही पूछता है। तो चलो आ जाइए। ओके, तो देखो बोर्ड पे मैंने एक शानदार सा नाम भी दे दिया है, बोर्ड पे एक शानदार सा नाम है जो कि आज के लेक्चर का ही नाम है, जिसका नाम है ट्रिपलेट फाइंड करो ना। देखो कि आपको सबको पता है कि कोरोना ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो इसी के चलते हुए कुछ टाइम पास नहीं बोल सकते हो, तो कुछ अच्छी चीजें हमने, मतलब अच्छी चीजें आती है मुझे, तो ये चीजें हमने आपके लिए ही इन्वेंट की है। तो देखो पहले तो हम सीख लेते हैं, कुछ बेसिक देख लेते हैं, ये ट्रिपलेट होता क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ये मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा, कुछ सेकंड में आपको बता दूंगा कि व्हाट इज दिस ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो देखो बच्चों ध्यान दो, बहुत ही मजेदार ट्रिक होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखोगे, आज सीखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज की। तो देखो क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ पहले ये होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम और ये ट्रिपलेट। तो देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, बी पे में ये है, बी पे दे देता हूँ एक राइट एंगल, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड को मैं नाम दे देता हूँ, चलो ये पे नाम ट्रिपलेट ले लेते हैं तीन, ये साइड का है तीन, लेंथ है तीन, बी सी साइड की लेंथ है चार, और इस साइड की लेंथ मुझे पता नहीं है, समझ लो फाइंड करना है ना। तो देखो ये बोल देता हूं मैं, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। तो जो हाइपोटेनियस होती है वो क्या होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। ओके, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में, अब देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, मैं इसको भी बेस बोल सकता हूँ, इसे भी परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर बेस आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बस हाइपोटेनियस एक ही होता है। ओके, अब देखो मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से आप कैसे फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो ए बी, ये है ए बी, उसका स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए सी, ए सी का स्क्वायर, मुझे बताओ ए बी की वैल्यू क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है चार, चार का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखो ये तीन का स्क्वायर कितना होता है नाइन, प्लस चार का स्क्वायर सोलह इज इक्वल टू ए सी
स्क्वायर। 9 + 16 = 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रूट, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, √25 मतलब क्या 5, तो ए सी की वैल्यू होगी 5। अब ये नंबर तो थे छोटे नंबर 3, 4, 5, तो हमने इजीली फाइंड कर लिया। जब बड़े नंबर आएंगे 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 10, 24, 26, ऐसे बड़े नंबर जब आएंगे उनका स्क्वायर लेना है, माइनस करना है, प्लस करना है, क्या क्या चीजें करनी है, तो इन चीजों में आपका टाइम वेस्ट होगा। और ये जो ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट को आप छोड़ भी नहीं सकते हो, इसको आपको करना ही करना है। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन पाना है, आपको कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में कुछ चीजें अचीव करनी है, तो ये ट्रिपलेट आपको आने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आने ही चाहिए। मतलब यू मस्ट नो दिस ट्रिपलेट्स। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गई एक जनरल मेथड। आपको बताता हूँ ट्रिपलेट फाइंड करने की सेकंड वाली मेथड, कुछ सेकंड में आप फाइंड कर लोगे ये ट्रिपलेट। हमारी ट्रिक पे, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो देखो चलिए होगी, चलो आ जाते हैं हम हमारे डायरेक्ट ट्रिक पे। पहले मैं बताऊंगा आपको ऑड नंबर जो है उसके ट्रिक कैसे फाइंड करने, उसके उसके ट्रिपलेट कैसे फाइंड करने, जो कि ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, तो इनके ये भी और इनके ट्रिपलेट पहले कैसे फाइंड करने हैं। तो हम लेंगे पहले सबसे छोटी साइड, सबसे छोटी वाली साइड, उससे हम फाइंड कर लेंगे बाकी के दोनों भी साइड। एक भी साइड दे रखी है, दोनों साइड फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखो ये है 3, 4, 5, मुझे बस 3 पता है, 3 ना। अब देखो ये 3, ये है मेरे पास 3। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये 3 इवन है या ऑड है? तो आप बोलोगे ये इवन है, नहीं ये ऑड है। तो जिन्होंने सही बोला है उनको मैं होमवर्क दूंगा, जिन्होंने गलत बोला है उनको होमवर्क यही मिलेगा, लेकिन दो बार सॉल्व करना है। तो देखो ऑड नंबर है हमारे पास, ऑड नंबर क्या है, वो 3 है। तो देखो ऑड जब भी आएगा, ऑड आदमी क्या करता है, ऑड आदमी क्या करता है, नेगेटिविटी, और मतलब क्या नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी फैलाएगा। वो कुछ आप कुछ चीजें उनको बता दो, उस आदमी को और आदमी को, वो क्या करेगा, चीजों को एक्सपांड कर देगा, बहुत बढ़ा देगा, बहुत मतलब बड़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। इन शॉर्ट और जब भी आएगा वो क्या करेगा, करेगा चीजों को बढ़ा देगा। देखो तो ये है 3, ये और है, तो मुझे चीजें बढ़ानी है, कम नहीं करनी, बढ़ानी है। तो जब भी मैं बोलूँ आपको बढ़ानी है चीजें, तो आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर करना है। आप चीजें ज्यादातर कब बढ़ाओगे, जब अमाउंट में कब बढ़ेंगे, स्क्वायर कर लोगे। तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है, चलो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9। पहले क्या करना है, और आदमी क्या करता है, बढ़ा देता है चीजों को, तो पहले कर दो इसका स्क्वायर, वो है 9। आप क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 4.5, 4.5, ओके 4.5। अब देखो ये 4.5 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो 4.5। अब देखो पॉइंट पे तो कोई साइड नहीं आ रही है, अब देखो क्या करना है, ये 4.5 है, 4.5 के पहले कौन सा होल नंबर आया था, तो पहले इसके आया था 4, और 4.5 के बाद वाला नंबर कौन सा था, कि बाद वाला नंबर था पेयर नंबर 6, 5। तो देखो मिल गए मुझे, मेरा ट्रिपलेट मिल गया 3 था, तो ये 4.5 से कम वाला नंबर कौन सा है, नेक्स्ट उसके पीछे वाला नंबर 4, और ये 4.5 के आगे वाला नंबर कौन सा है, 5, 3, 4, 5। आप प्रैक्टिस कर लो, इजीली आप माइंड में फाइंड कर सकते हो ये चीजें, 3, 4, 5, ये देखो 3, 4, 5। सेकेंड वाले पे आ जाते हैं, 5 वाले पे, 5 वाले पे आ जाते। अब देखो 5 वाला आप वीडियो यहाँ पे पॉज करके खुद प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद प्ले करो, आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं देखो। तो देखो ये है 5, ये 5 इवन है या ऑड है, तो आप बोलोगे क्या, तो आप बोलोगे ये है ऑड। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, तो देखो ये ऑड है, तो ये ऑड का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, मतलब 5 का स्क्वायर ले लेता हूँ, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25। देखो मतलब ये ऑड आदमी है ना,
तो ये और आदमी क्या करेगा, ये और आदमी क्या करेगा, और आदमी चीजों को बढ़ा देता है, एक्सपांड कर देता है, तो चीजों को एक्सपांड कर देते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। एक्सपांड मतलब क्या, स्क्वायर लेना, तो 5 का स्क्वायर ले लो, क्या होता है प्यारे बच्चे, 25। वेरी गुड, टाइम हो जाइए आपके लिए, देखो 25 का मैं स्क्वायर ले, मतलब मैंने 5 का स्क्वायर ले लिया 25। अब 25 डिवाइडेड बाई टू, 25 का आधा कितना होता है, 12.5। वेरी गुड बच्चों, 12.5। अब देखो 12.5, अब देखो हमने क्या किया था, ये 4.5 आता है इसके पीछे वाला और आगे वाला नंबर, 12.5 के आगे वाला नंबर कौन सा है, इसके पहले वाला नंबर कौन सा है, 12, और 12.5 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा है, 13। तो 5, 12, 13 तो हमने कर लिया इजीली फाइंड। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 7। स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, ये सब स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट ही एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। मैंने ले लिया 7। अब आप फिर से आप ट्राई करके देख लीजिए खुद से, तो देखो 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड, और आदमी क्या करता है, चीजों को बढ़ा देता है, एक्सपांड कर देता है। तो कैसे एक्सपांड करोगे, इसका स्क्वायर लेना है हमें, तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, 7 का स्क्वायर ले लेना है, 49 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, फिर 2 करना है आपको, ये बाद में 2 करना है, 49 डिवाइडेड बाय 2, तो 49 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, तो 24.5, ये होता है 24.5। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 24.5 के देखो क्या करना है हमें, एक नंबर पीछे एक नंबर आगे, बस यही तो ट्रिक है हमारी। तो देखो 24 का एक नंबर पीछे, 24.5 का एक नंबर पीछे क्या है, 24, और एक नंबर आगे क्या है, 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25, ये हो गया नेक्स्ट वाला। उसके बाद में 9 का फाइंड कर लेते हैं, 9 क्या है, ऑड है या इवन, तो ये भी ऑड है, तो ऑड वाला आदमी क्या करता है, चीजों को बढ़ा देता है, तो इसको बढ़ा दो, कैसे बढ़ाओगे, इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। अब क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, 81 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या, 40.5। 40.5 के जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा था, 40.5 के जस्ट बाद में वाला नंबर कौन सा था, तो वो था 41। 940, 41 है ना, मजेदार ट्रिक, आप भी फाइंड कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, बहुत ही इजी, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इजीली आप ये सब चीजें याद रख सकते हो, एग्जाम में आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखो ये है नेक्स्ट अपना 11। ये क्या है, 11 और है, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, तो चलो यार इसको स्क्वायर भी क्या लेना, डायरेक्टली आप होमवर्क में कर लो ना, तो मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो ना, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो ना, कोरोना चल रहा है तो देखो आपको भी टाइम पास नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मतलब दिन भर रूम में लॉक होके बैठे हुए हैं, तो क्या कर लेंगे, देखो ये होमवर्क में कर लेंगे आपके लिए, मैं ये होमवर्क दे देता हूँ, आप इतने प्यारे स्टूडेंट हो तो ये होमवर्क में कर लीजिए। अभी नेक्स्ट है हमारा, देखो हमने पहले क्या फाइंड कर लिया, ऑड वाले नंबर, ये देखो ऑड वाले नंबर ये फाइंड कर लिया हमने, अब इवन नंबर के कैसे फाइंड करोगे आप, इवन नंबर के ट्रिपलेट कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं, वैसी ही ट्रिक है, सेम ट्रिक, तो मैं ले लेता हूँ ये वाला इवन वाला 8। 8 क्या है, इवन है या ऑड है, तो इवन है, तो इवन वाला आदमी क्या करता है, देखो ऑड वाला आदमी क्या करता था, ऑड वाला आदमी चीजों को बढ़ा देता था, एक्सपांड कर देता था, नेगेटिविटी फैला देता था, दुनिया में कोरोना फैला देता था ऑड वाला आदमी। इवन आदमी क्या करेगा, तो घर में गवर्नमेंट ने जैसे बता दिया है लॉकडाउन है, तो वो घर में बैठे रहेगा, लॉकडाउन हो जाएगा मतलब गवर्नमेंट को साथ देगा, मतलब पॉजिटिविटी को वो पॉजिटिविटी फैलाएगा, मतलब नेगेटिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब वो गंदी चीजें खराब चीजें को कम कर देता है, तो इवन आदमी मतलब क्या करता है, कम कर देता है, तो ये है इवन, ये है इवन, तो ये इवन आदमी क्या करेगा, चीजों को कम कर देगा, तो कम कर देगा मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टू, पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टू, 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, अब इस 4 का आपको स्क्वायर लेना है, पहले तो कम कर लिया है फिर स्क्वायर लेना है, अब देखो स्क्वायर ले लेते हैं 4 का, कितना होता है 16।
बस हो गई ठीक। ये है 16, 16 के पीछे वाला नंबर, 16 से एक कम नंबर कौन सा है? 15। 16 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है? 17। एक देखो, 16 से पीछे वाला नंबर जस्ट पीछे वाला, और 16 से आगे वाला जस्ट आगे वाला। तो ये देखो 8, 15, 17, 8, 15, 17, ये हो गया अपना ट्रिपलेट। उसके बाद ये है देखो 10 वाला भी कैसे फाइंड करोगे? देखो ये 10 क्या है? इवन है, ऑड है, तो 10 है क्या? इवन, तो 10 है इवन। ओके, तो इवन आदमी क्या करता है? इवन आदमी पहले क्या कर देगा? कम कर देगा चीजों को, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 5। अब इस 5 का स्क्वायर ले लेना है, 5 का स्क्वायर कितना है? 25। अब देखो 25, तो 25 के जस्ट पीछे वाला नंबर कौन सा था? 24। और 25 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या है? 26। तो देखो 10, 24 और 26, 10, 24, 26 हो गए ट्रिक। तो ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट आप इजीली फाइंड कर सकते हो इन चीजों से। ऐसे कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो कि इनके मल्टीपल होंगे, आप बोलोंगे सर ये तो हो गए ये स्टैंडर्ड वाली, लेकिन जो दूसरे जो ट्रिपलेट है उनको कैसे याद रखें? देखो दूसरे ट्रिपलेट मैक्सिमम ट्रिपलेट जो होंगे इनके मल्टीपल होंगे, जैसे कि इसका 2 का मल्टीपल ले लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 6, 8 और ये 10। फिर इसका 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल, इसका मल्टीपल ले लेंगे, समझो इसका 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, तो ये फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रिपलेट तो यही स्टैंडर्ड है, ट्रिपलेट यही स्टैंडर्ड है, लेकिन इन स्टैंडर्ड ट्रिपलेट को एग्जामिनर कभी मल्टीपल के फॉर्म में दे सकता है तो कभी डिवाइड के फॉर्म में दे सकता है। मतलब कभी कभी देखो एग्जामिनर क्या कर लेगा, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो कभी इसको 2 से डिवाइड करके दे देगा पॉइंट के फॉर्म में। बस आपको वो ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट अगर पता है तो आप ये चीजें जो एग्जामिनर जिन चीजों से खेल रहा है, कभी मल्टीप्लाई कर रहा है तो कभी डिवाइड कर रहा है तो कभी क्या कर रहा है, तो इन चीजों को आप इजीली फाइंड कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो इन ट्रिपलेट को आप इस ट्रिक से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कीजिए नहीं करो ना, प्रैक्टिस करो ना इस चीजों की, इन चीजों की, और ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड कर लो। मतलब आप तो इवन हो पर ये जो वीडियो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर दो, तो स्प्रेड करने से क्या होता है कि मुझे भी मैं भी मोटिवेट होता हूँ, और आगे के जो वीडियो है आगे के इससे भी मजेदार ट्रिक जो भी ट्रिक मुझे पता मिलेंगे वो ट्रिक मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। जो भी ट्रिक मुझे फाइंड होते हैं, जो भी ट्रिक मेरे पढ़ने में आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, देखो कैसा होता है कि जो आदमी डीप लेवल तक पढ़ता है उनको ये चीजें ये ट्रिक दिमाग में आ जाती है कभी ना कभी। तो इन ट्रिक को मैं आपको, बहुत सारी ट्रिक है ऐसी, अलजेब्रा की ट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स है, परसेंटेज की ट्रिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक है, ये सब ट्रिक आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए जिससे मैं मोटिवेट हूँ। और लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने जो बताया हुआ है लॉकडाउन रहना है, अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चलते हुए अभी का जो ड्यूरेशन चल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी बताया था लॉकडाउन, तो प्लीज आपकी सेफ्टी को कंसिडर कीजिए, दूसरों की भी सेफ्टी, फैमिली वालों की सेफ्टी, पूरे देश की सेफ्टी, हम इंडिविजुअल हम खुद आप उस सेफ्टी को ध्यान में रख सकते हैं, और खुद को लॉकडाउन करके अभी जो ड्यूरेशन चल रहा है उसमें खुद को लॉकडाउन करके आप खुद की भी हेल्थ बचानी है और लोगों की भी हेल्थ बचानी है, और दूसरों को भी बताना है कि लॉकडाउन को फॉलो करें। और ये जो ट्रिक्स है ऐसी ट्रिक्स पढ़ते रहिए, मैं ट्रिक्स पढ़ाते रहूंगा, कंसेप्ट भी नए नए लेके आते रहूंगा, पुराने जो ट्रिक्स है पुराने जो वीडियो है उसको भी देखिए, उसको भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।